नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आगे खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी बाजार में लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक, दवाओं की कालाबाजारी पर विशेष नजर। शहर में इम्यूनिटी बूस्ट के लिए विटामिन की गोलियों की मांग बढ़ी, मेडिकल दुकानों में होने लगी किल्लत। चांडिल में मिनी लॉकडाउन को लेकर एसडीओ और एसडीपीओ ने किया फ्लैग मार्च। और शहर में मौसम हुआ मेहरबान, शाम 5 बजे ही छाया अंधकार, तेज बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों ने ली राहत की सांस। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सांची शीतला मंदिर के पीछे सब्जी मार्केट में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग से आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साक्षी बाजार में दोपहर करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग साक्षी शीतला मंदिर के पीछे के सब्जी मंडी इलाके की दुकानों में लगी थी। बताया जाता है कि 4 दुकानें, राजू स्टोर, किराना की 1 दुकान, 1 होटल और 1 अन्य दुकान को आग ने अपने आगोश में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने की यह घटना शॉर्ट सर्किट से हो सकती है। दुकानदारों ने दोपहर 2 बजे अपनी दुकानों को बंद कर दिया था। इसी दौरान अचानक कैप्सिकम की दुकान में आग दिखाई पड़ी। उसके बाद आग ने बगल वाली दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक अग्निशमन को इसकी सूचना दी जाती तब तक आग 4 दुकानों में पहुंच चुकी थी। सूचना पाते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की 2 और टाटा स्टील की 2 दमकल मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये कितना दुकान में आग लगी थी? 7 दुकान में आग लगी। 7 दुकान कुछ पता चला कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को शहर पहुंचे। उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और साथ ही इमरजेंसी दवाओं की कालाबाजारी पर विशेष नजर रखी जाए। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के एसपी, एसएसपी सहित तमाम डीएसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। डीआईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को शहर में बढ़ते कोरोना काल के संक्रमण के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने का निर्देश भी दिए। डीआईजी ने शहर के अस्पतालों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी जैसी दवाओं की कालाबाजारी पर विशेष नजर रखी जाए। आज जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिले के तमाम पुलिस उपाधीक्षक के साथ कोविड के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं ये निर्देश दिया गया कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका अच्छा सा फॉलो कराई जाए और मेरे समझ से लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि पिछले बार का लॉकडाउन, पिछले साल का और इस बार के लॉकडाउन में एक विशिष्ट डिफरेंस ये है कि पिछले बार का लॉकडाउन कोविड बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई थी। इस बार का जो लॉकडाउन है वो बीमारी फैल जाने के चलते लगाई गई। रेफ्यूजी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बना दिए जाने के बाद अब 5 दिन गुजर गए हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि कॉलोनी को खोल दिया जाए ताकि जरूरी सामग्री सहित अन्य सामग्री कॉलोनी तक पहुंच सके। गुलमुरी थाना अंतर्गत रिफ्यूजी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बना दिए जाने के बाद अब 5 दिन बीत चुके हैं और लोग चाहते हैं कि कंटेनमेंट को हटा दिया जाए ताकि जरूरी सामान जैसे दूध, खाद्य सामग्री वहाँ आ सके। हालांकि उन तक जरूरी सामान पहुँचाने के लिए इंसिडेंट कमांडर हर कदम उठा रहे हैं।
के लिए वो भी अंदर नहीं आ रहा, सब्जी नहीं आ रहा है, राशन वाला को बहुत कष्ट है, गैस नहीं आ रहा अंदर, अब माल पानी खाने के लिए चाहिए कि नहीं, जिन लोग को आप रेड जोन एरिया में डाले हैं, कंटोनमेंट किए हैं, उनको भोजन का प्रबंध तो करना चाहिए, आप मत कीजिए, कम से कम जो प्रबंध कर रहा है लोग उसको छूट दे दीजिए आने जाने का। मिनी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए क्षेत्र में SDPO और SDO ने एक फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल में SDO रंजीत लोहरा एवं SDPO संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने चांडिल मुख्य सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला। राज्य सरकार के द्वारा जारी 29 अप्रैल से 6 मई तक घोषित किए गए मिनी लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान इंस्पेक्टर पास्केल टोप्पो, BDO नूतन कुमारी एवं सशस्त्र बल के जवान भी शामिल थे। इस सरकार से जो 6 दिनों का निश्चित लॉकडाउन की ये सशर्त आदेश जारी हुआ है, 6 बजे से 2 बजे तक सारी सेवाएं खुली रहेंगी, उसके बाद सारी सेवाएं बंद रहेंगी, उसके हम लोग सख्ती से बंद कराने के लिए, उसको अनुपालन कराने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है। और महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर लोग काफ़ी सचेत हो गए हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के वाइटामिन्स की गोलियां लेने लगे हैं। मेडिकल दुकानों में ऐसी गोलियां जैसे मल्टीविटामिन्स, जिंक, विटामिन सी की मांग काफ़ी बढ़ गई है। शहर के लोग कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर विटामिन की गोलियों की बिक्री इन दिनों चरम पर है। कोरोना काल में डॉक्टरों के द्वारा सभी को स्वस्थ रहने और शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, ऐसे में डॉक्टरों ने विटामिन और जिंक की गोलियां लेने की सलाह दी है। शहर के दवा दुकानों में विटामिन, जिंक एवं मल्टी विटामिन की गोलियों की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों के अनुसार इन्हीं दवाइयों को लेने की सलाह डॉक्टरों ने दी है, जिस कारण पहले के मुकाबले 2 गुने ग्राहक रोज दुकानों पर पहुँच रहे हैं। विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3, मल्टी विटामिन, ORS लिक्विड, ORS पाउडर, बस यही है मेडिसिन। कदमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद क्षेत्र के विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयासों से जगह जगह कोविड जांच केंद्र लगाए गए हैं, जहां लोग अपना जांच भी करवा रहे हैं और मंत्री के प्रयासों पर आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कदमा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद क्षेत्र के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयासों से कदमा के कई स्थानों पर कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं और लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की जा रही है। इन जांच केंद्रों में बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं और वे अपने कोरोना के जांच भी करा रहे हैं और साथ ही मंत्री के प्रयासों की सराहना भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पैंडेमिक के टाइम में, ऐसा मंत्री जी जो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। क्या चेक हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोविड चेक हो रहा है। कौन से जगह है ये? उलियान मेन रोड है, ICICI बैंक के फ्रंट में। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में इस कोरोना काल के दौरान सफाई कर्मियों और होमगार्ड के जवानों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण 8 घंटे के बजाय दिन में 12 घंटों की ड्यूटी निभा रहे हैं। जिले के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल MGM फिलहाल ओवरलोडेड चल रहा है। यहाँ मरीजों की इतनी संख्या बढ़ती जा रही है कि बेड की कमी हो गई है, साथ ही कर्मचारियों की कमी भी। यदि सफाई कर्मियों की बात करें तो वे दिन रात जुटे हैं, वे 8 घंटे की बजाय 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। यही हाल सुरक्षा पर तैनात होमगार्ड के जवानों का भी है, वे भी निर्धारित समय से कहीं ज़्यादा ड्यूटी निभा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे काम हो रहा है कि अभी फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो भी काम है इधर उधर का बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है। ड्यूटी तो अभी थोड़ा सा जो है टाइट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसकी दरकार भी है, क्योंकि जिस तरह से जो है महामारी जो है हमारे जमशेदपुर में फैला है, तो अभी जो है पहले 8 घंटा ड्यूटी थी, लेकिन अभी जवान जो है अपनी मर्जी से 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा और दरकार पड़ रहा है तो यहीं पर रह भी जा रहे हैं, तो यहीं पर अपना खाना भी खा ले रहे हैं बनाकर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। क्वालिफिकेशन
12th diploma in ICU or in hospital works. Salary as per Jharkhand government norms. Interested person may contact. अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Medical, Meera Tower, Ground Floor, Main Road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674, 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. Cream rolls, fruit cakes,
all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म. भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त. यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें. ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान. Iconic Overseas Services, Road No. 2, Magdampur, Post, Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 969-391-6751, 969-391-6752 and 0657-229-080.